13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अफरासियाब से जाकर कहना, नोयान को अर्तुरुल की सारी मालूमात चाहिए। मुझे हैरत यह है कि अर्तुरुल साहब वहां अचानक कैसे पहुंच गए। इत्तेफाक से गुमश्तकिन साहब, नोयान ने जो खून बहाया है उसका हिसाब बराबर हो गया और हमें फतह हासिल हुई है। क्या चाहिए इससे ज्यादा? ओस खान की वो मोहर वो खुद मेरे पास लाएंगे। शुरू करो इसहाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल शाफी इस्म की बरकत से। जनाब आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मरने से पहले मुझे मेरी औलाद से मिलवा दिया। मैं तो से इल्तिजा करती हूँ, रहम कर दे मेरे बच्चे पर। उसे मुझसे दोबारा जुदा मत करना। आमीन 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 आमीन। वालिदा,
सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैसे पहुंचा? सुंगुर तक इनके ताकुब में आया था। सुंगुर तक इन और मैंने खत्म कर दिया उसके आदमियों को। नौयान भी जख्मी हालत में बच निकला। पहले उसके कयाम का, फिर उसके सिपाही खत्म कर डाले और सुंगुर तकिन भी उसके हाथ से निकल गया। अब उसके वाहिद दुश्मन आप हैं अर्तुरुल। वो आराम से नहीं बैठेगा। नौयान के गुस्से से मैं भी खौफजदा हूं अलीमा सुल्तान, लेकिन अपने लिए नहीं। वो दोनों कबाइल के अंदरूनी हालात इतनी अच्छी तरह जानता है जितने के हम। तू तक इनकी ख्वाहिश, मामू जान की कमजोरियां, हत्ता के हमारे आने वाले बच्चे के बारे में भी। अर्तुरुल की औलाद की खातिर जो पूछ रहा हूं वो बता दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मौत की नींद सुला दूंगा। अर्तुरुल, मुझे सलजान ने कुछ बातें बताई हैं। मैं सब जानता हूं अलीमा सुल्तान। आयतुल्लाह नौर, गुमुश्तकिन बज़ाहिर तो आपकी इज्जत करते हैं, आपके सामने अखलाक से भी पेश आते हैं, लेकिन मुझे उनकी आंखों में बॉक्स दिखता है अर्तुरुल। यहां बहुत कुछ गलत हो रहा है। सलजान भी कई हकायक से नावाकिफ है। मुमकिन है कंदूक तो भाई गोंजुगुल की वजह से इन बातों को गहराई से ना देख पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, सलजान को तन्हा मत छोड़ना। लेकिन मेरा भाई जिससे शादी कर रहा है उसकी भी इज्जत करना होगी हमें। मैं वापसी पर सब कुछ जानना चाहूंगा। अर्तुरुल, बहुत तवील है मेरा सफर अलीमा सुल्तान। मुझे आप पे पूरा यकीन है अर्तुरुल, आप जो करेंगे दुरुस्त करेंगे। आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मेरा दिल आपके साथ है, लेकिन ये वक्त मुख्तलिफ है। न जाने आप कहां जा रहे हैं, ये सोचकर डर लगता है मुझे। हर वक्त परेशान रहती हूं मैं। मेरा दिल ये कहता है कि ये मेरा वक्त है अलीमा सुल्तान। इंशाल्लाह एक दिन खुद आपका दिल गवाही देगा कि हलीमा को तन्हा नहीं छोड़े। इन लोगों ने साबित कर दिया कि हमारे बहादुर जवान भी किसी से कम नहीं। हर किसी की जुबान पर गुंदोगतू और मेरे भाई तूतकिन का नाम है, और मेरे बाबा की बहादुरी के भी हर शख्स गुन गा रहा है। अपनी जख्मी टांग के बावजूद उन्होंने कितने ही मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर दिया,
हर कोई सोच रहा था कि सुल्तान के महल से मेरा भाई बूढ़ा और नकारा सिपाही बनकर वापस आया है, लेकिन जवान मर्दों को भी मात दे दी गुमुश्तकिन ने। बहुत शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। सलजान का तो साया भी नजर नहीं आ रहा कहीं। धुतकारे जाने के बाद बेवाओं के साथ किसी खैमे में मुंह छुपाकर बैठी होगी यकीनन। जानती हूँ मैं, मुंह छुपाकर बैठी होगी अपने बिल में वो नागिन, किसी नए फितने की तलाश में होगी। जब तक उससे जान न छुट जाए मोहतात रहना तुम, बिठा लो ये अपने दिमाग में। जब तक वो बला यहाँ है हमें सुकून नसीब नहीं होगा, समझ गई? सलजान खातून। बानू जी चेक, कितनी बड़ी हो गई हो तुम माशाल्लाह। सुना है तुम घुड़सवारी करती हो और मर्दों की तरह हथियार भी चलाती हो। हाँ, सुलेमान शाह और आपका पहली बार हमारे कबीले आना लगता है कली की बात है। गोकची और मुझे घुड़सवारी करना आप ही ने सिखाई थी सलजान खातून। तो तुम्हें भी वो गुजरा हसीन वक्त याद आता है? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, मैं आपके आने पर कितना खुश हुआ करती थी। हम दोनों ही कोरकुत मामों और सुलेमान शाह के जेरे साया पले पड़े हैं। मोहब्बत और एहतराम करना हमने उन्हीं से सीखा है, और अब वक्त आ गया है कि हम उनकी मोहब्बत का कर्ज उतारें और उनकी रूह को कोई तकलीफ ना पहुंचने दे। बानो जी जैक, आप कहना क्या चाहती हैं सलजान खातून? हमारा कबीला धोखे और फरेब के तूफान में घिरा हुआ है, उसे बाहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊं वो किसी और को मत बताना। सलजान खातून, मुझे आप खौफजदा कर रही हैं। जो भी बात है खुलकर बताइए मुझे। मैं नहीं चाहती कि वो लोग हमें साथ देखें। मैं बाहर चरागाह पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, वहीं बैठकर सारी तफसील तुम्हें बता दूंगी। हाँ, मुझे जैसे ही पता चला मैं यहां आ गया फौरन। हमेशा तुम्हारी वफादारी की कदर की है मैंने अफरासियाब। अब जो जिम्मेदारी सौंपने वाला हूं मैं तुम्हें, याद रखना वो बहुत अहम है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं नोयान? सुंगुरतकिन के पास एक मोहर है सुलेमान शाह के बेटे से, वो मोहर मुझे ला कर देनी है तुम्हें। मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन वहां तुम उनके कबीले की कोई औरत उठा कर लाओगे। मोहर नहीं, औरत के यहां आते ही वो खुद ही
मोहर लेकर मेरे पास आएंगे, जो आपका हुक्म। क्या मेरा वो जांबाज हमजा जिंदा है अभी? सुबह गुंदोगदोस का सर कलम करेगा। इज्जत की मौत मरेगा, रूहें उसके साथ हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि काम कैसे करना है। बानो जी जैक, यहां हम एक अंधे कुएं में गिर रहे हैं। इस बुराई को मिलकर रोकेंगे, फर्ज है हमारा अपने कबीले के लोगों के लिए। खुलकर बताइए सुलजान खातून, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। कुरकुत साहब की औताक में एक शैतान है जो दोनों कबीलों के दरमियान जहर घोल रहा है, और उस शैतान को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कौन है वो शैतान? तुम्हें पता है मैं किस शैतान की बात कर रही हूँ। कुरकुत साहब ने जिस औरत की हिफाजत के लिए तुम्हें रखा है, मैं उसी शैतान नुमा औरत की बात कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको, आप किस तरह ये सब कह सकती है? कुरकुत सरदार के बारे में आप क्या कह रही है अंदाजा भी है आपको? वो ठीक है, कुरकुत मामू तो हमारे सरदार है, लेकिन वो औरत जो उनकी बीवी है हमारे लिए एक लानत है। वो दो दुर्गा कबीले को, कुरकुत मामू की औताक को, हम सबको बर्बाद कर देगी। रोकना होगा उसे हमें। लगता है पागल हो गई हैं आप। जरा मुझे आयतुल्ला ने जो राज औताक में छुपा कर रखा है वो अगर ढूंढने में तुम मेरी मदद करो। बहुत हो गया, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकती कभी। आइंदा अगर तुम मेरे आसपास भी नजर आई तो ठीक नहीं होगा तुम्हारा अंजाम। अब अपने किए की सजा भुगतो हमजा। या रब, मैं बहुत गुनहगार हूं, कितने ही बहादुरों का खून बहाया मैंने, मैं अपने तकब्बुर में हकीकत नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दे, मुझे अपने कबीले की खिदमत करने का एक आखिरी मौका अता कर दे। सलजान आ जाओ। हलीमा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। संगुर तकीन कैसा है? आर्तुक साहब कोशिश कर रहे हैं सलजान। कितने इत्मीनान से वो सब लोग
मेरे बाबा की औताक को लूट रहे हैं। हमारी नजरों के सामने अपनी लालच और घिनौने अजाइम से हर शय को जहर आलूदा कर रहे हैं। सलजान, हलीमा, मुझे तसल्ली नहीं चाहिए, मुझे अपने कबीले को बचाने के लिए एक बहन का साथ चाहिए। क्या मतलब है? वो ज़ईफ़ औरत, उसे किसने मारा हलीमा, और क्यों मारा? आयतोलन और कोरकुत मामू यकीनन हमसे कुछ छुपा रहे हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर क्या छुपा रहे हैं वो हमसे सुलझान? आयतोलन ने मामू की औताक में आने के बाद कोरकुत मामू की पहली बीवी का कत्ल आयतोलन नहीं किया है। सुलझान, इस बात का कोई सबूत है? सबसे पहले तो हमें वो हार ढूंढना होगा, उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अब तो मुझे बताओ हलीमा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं साथ दूंगी सलजान। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, सुंगुर तकीन और सुल्तान अलाउद्दीन का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। हलीमा और देली दमीर का भी यकीनन कोई ताल्लुक है इससे। आखिर वो चाहते क्या हैं बाबा? बहुत जल्द ये भी वाजे हो जाएगा। सुलजान का कहना ठीक था, हमारी परेशानी दुगनी हो गई। सुंगुर तकीन की आमद हमारे हक में बेहतर साबित नहीं होगी भाई। सादतीन कोपेक की इजाजत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। जब मेरे सरदारे आला बनने में कोई रुकावट नहीं होगी तो सुलेमान शाह के बेटों की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत बाकी नहीं बचेगी। महज मसले हुए कीड़े और थूकी हुई हड्डी के बराबर होंगे। बस अब मुझे उस खबर का इंतजार है। सुंगुर तकीन भाई, जब मंगोलों की कैद में थे मैं बहुत छोटी थी, वो वक्त मुझे ठीक से याद नहीं। तो इतने अरसे तक वो थे कहां? नोयान और उनका क्या मसला है? अर्तुरुल के ताल्लुकात कैसे हैं उनसे कोकचे? मैं समझ रही हूं आपकी बात। अर्तुरुल और गुंदोगदू भाई को समझना मुश्किल है, और आप सुंगुर तकीन भाई, दोनों कबीलों की सलामती चाहता हूं मैं। जानती हूं। सच जाने बगैर कुछ नहीं कर सकता मैं। देखो गोकचे, अब मेरी औताक ही तुम्हारा असली घर है। दोनों कबाइल की खातिर तुम जो भी देखो या सुनो मुझे बताओ, ताकि मैं सबकी हिफाजत कर सकूं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। फिर किसी मुसीबत के पीछे है बाबा, दोबारा किसी नई मुश्किल में ना पड़ जाए हम। इतना कुछ तुम्हारे सामने हो गया फिर भी तुम्हें अर्तुरुल पर एतमाद नहीं हुआ? कैसे एतमाद करूं मैं उसका बाबा? वो हमारी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता है, आपसे, मुझसे, हत्ता कि अपने मां और भाई से अपनी बातें पोशीदा रखता है। अर्तुरुल हर किस बुजदिल नहीं है और ना गद्दार है, ये जानता हूं मैं। मुझे अगर तुम्हारी वफादारी पर शक होता या नहीं जानता कि तुम्हारा दिल भी तुम्हारे जिस्म की तरह मजबूत है, तो मैं कहता कि तुम उसकी कामयाबी से हसद करते हो। उसने औताक के अंदर औताक और रियासत के अंदर रियासत कायम कर रखी है। अगर ये सब कुछ आपको नहीं दिख रहा तो आप सरदार आला बनने के ख्वाब मत देखिए।
अंदर तुम्हारा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, इन हालात में कैसे जा सकते हो तुम? जाना जरूरी है भाई। क्यों जरूरी है बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया कि तुम रुक नहीं सकते? ना मुझे ना वालिदा को, किसी को कुछ नहीं बताते तुम। वक्त आने पर बता दूंगा। इससे पहले कौन सी बात तुमने हमें वक्त पर बताई अर्तुरुल? सुंगुर तकिंगा कह के गए थे तुम हमसे और नयान से लड़ पड़े, ये तुम क्या करते फिरते हो मेरे भाई? बताओ तो किस दुनिया में रहते हो आखिर? तुम तो वहां सुंगुर तकिन से मिलने के लिए गए थे, और नयान को कैसे खबर हुई कि तुम दोनों वहां मौजूद हो? मुझे ना सिर्फ तुम्हारे भाई की हैसियत से बल्कि बतौर सिपाही सालार भी सवालों के जवाब चाहिए, ये मेरा हक बनता है। लेकिन तुम न मुझे न वालिदा को किसी बात पर एतमाद में लेते हो। मेरी अताअत करने का वादा किया था तुमने, क्या इस तरह वादा निभा रहे हो तुम अपना? क्या यह होती है अताअत? जब भी तुम पर मुश्किल पड़ती है तो फौरन मेरे पास मदद के लिए आ जाते हो, लेकिन जब जवाब देने का वक्त आता है तो चुप साध लेते हो तुम, हर बात छुपाते हो हमसे। भाई एक दिन मैं जरूर आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आज वो दिन नहीं है। मैं कहता हूं गंदोग तू बस कर दो, आप बहुत हो गया। तुम्हारा भाई अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। वालिदा मैं अर्तुरुल के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, तो दो दुर्गा वाले कैसे करेंगे आखिर? क्या करता है, कहां रहता है, किसी को कुछ बताना पसंद ही नहीं इसे। भाई मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें। अगर तुम वापस ना आए, मुझे सुनकर तकिन वाली अजियत से गुजरना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो तुम मेरी मौत का सबब बनोगे, क्योंकि मैं अब कोई भी गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अर्तुरुल। नयान बदबख्त कहाँ है? मैं नहीं जानता भाई। नयान कहाँ है बताओ मुझे। मैं नहीं जानता भाई। इतना अरसा उसके साथ रहे फिर भी कुछ नहीं जानता उसके बारे में। मैं नहीं जानता भाई,
मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई भाई। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे खुदा के लिए भाई। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अल्लाह से माफी मांगो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और संगर तकिन, आपके भाई संगर तकिन? हाँ, मेरा भाई संगर तकिन। नयान उनसे बहुत नफरत करता है भाई, पहले वो उन पर भरोसा करता था, उगदाई के करीब होने में उनकी मदद की थी उसने, फिर उसे मालूम हुआ कि सुंगुर तकिन सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है, और फिर और क्या, और फिर कुछ बताया इसने? नोयान के बारे में कुछ पता चला? नहीं। तुम किस पर गुस्सा हो गुंतोगदू? तुम्हें मालूम है ना, तुम मेरे बेटे की तरह हो। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही बेटा। बुजदिल सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मुश्किलात से नजरें चुराकर दूर भाग सकते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा सकते इस जगह को छोड़कर। कबीले के लोग हमारी जबान पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं, इनकी जिंदगी की हिफाजत हमारा फर्ज है। दोनों कबीलों की बका की खातिर अर्तुरुल से मोहतात रहो। कहां जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता। बिला शुबा वो बहुत बहादुर है, लेकिन अगर कभी लड़खड़ा गया तो हम सब गिर जाएंगे। जॉर्जिया जाने का अब है वक्त आया, जो भी शामिल होना चाहे हो जाए, बहादुर मर्द आ जाए सामने, बहादुर मर्द आ जाए आगे, आ जाए आगे, आ जाए। दुआन साहब, मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आई थी, अल्लाह ने आपको फतह नसीब की। बहुत शुक्रिया, हमारे सरदार ने जो हमें कहा हमने वही करने की कोशिश की और अल्लाह ने हमें फतह याब किया। आपकी बहादुरी और शुजात इससे कहीं ज्यादा की मुस्तहिक है दुआन साहब, आप पर फख्र होना चाहिए हम सबको। अल्लाह आपको ऐसी कई फतुहात नसीब करे। बहुत शुक्रिया, इजाजत दे मुझे।
आशिक का चेहरा खुशी से चमक रहा है, वो भी जब लड़की मीठी बातें करे। हाँ, आज तो नींद भी नहीं आएगी हमारे दोस्त को। अकेला छोड़ दोगे मुझे? ठीक है तो फिर हम चले जाते हैं। हाँ मेरे भाई, तुम समझो हम चले गए, लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं है। हमारे जाने से यह आग बुझ जाएगी क्या मेरे भाई? सही कहा, आग की तरह है उसका आना और जाना सुलगते कोयले की तरह है। बहुत खूब। वाह मेरे भाई, आखिर दिल की बात कह दी, शुक्र है कुछ बोला तो। हाँ भाई, कपड़े तो तुमने सारे धो लिए हैं, अब खाना भी बना लो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सादतीन कुपेक ने आपके लिए यह मक्तूब भेजा है। क्या लिखा है इसमें बाबा? सादतीन कोपेक ने लिखा है कि अब मेरे सरदार आला बनने में कोई रुकावट नहीं। आप चुप क्यों हो गए भाई? इस दिन का तो कब से इंतजार था आपको? लेकिन उसका कहना यह भी है कि यह हर शय का तवाजुन बिगाड़ देगा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी हर शय खतरे में है बेटी, तो इसका कोई हल तो होगा। बिल्कुल है। कुछ तो बताएं भाई, क्या सोचा है आपने? इसका हल सुंगुर तकीन के पास है, वो मोहर जो वो अपने साथ लाया है। सादतीन कोपेक उसे हर सूरत हासिल करना चाहता है। सुंगुर तकीन और अर्तुरुल किसी मकसद के पीछे हैं, आपने सही कहा था भाई।
आखिरकार हम भी लपेट में आ गए उनकी। अब हम क्या करेंगे? हम बहुत दूर आ चुके हैं बेटी। कितने ही घर तबाह हुए, कितने ही लोग हलाक। अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो मोहर हासिल करना होगी हमें। मैं तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से मिलाना चाहता हूं, गुंजा गुल खातून, मेरा भाई सुंगुर तकिन। मेरी एक बात हमेशा याद रखना सलजान, आखिरी सांस तक मेरी बीवी रहेगी और मैं उसका शौहर।